मणिपुर में एक साल से ज्यादा समय से कुकी और मैतेई समुदायों के बीच जारी नस्ली हिंसा के स्थायी समाधान के लिए दोनों समुदायों से बातचीत शुरू की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई मणिपुर की स्थिति पर उच्च स्तरीय बैठक में नस्ली संघर्ष सुलझाने के लिए समन्वित दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत बताई गई। बैठक में सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, आईबी निदेशक तपन डेका, थल सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के साथ राज्य व केंद्र सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के अहम अधिकारी मौजूद थे, लेकिन मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह बैठक में उपस्थित नहीं थे। बैठक में अमित शाह ने साफ किया कि मणिपुर में स्थायी शांति के लिए मैतेई और कुकी समुदायों के बीच दूरी पाटना जरूरी है और इसका एकमात्र रास्ता बातचीत है। गृह मंत्रालय जल्द दोनों समुदायों से बातचीत शुरू करेगा। शाह ने सुरक्षा एजेंसियों को साफ निर्देश दिया है कि राज्य में हिंसा की कोई और घटना नहीं होनी चाहिए, इसके लिए सुरक्षा बलों की पर्याप्त तैनाती की जाए। उन्होंने कहा कि शांति और सौहार्द बहाली के लिए केंद्रीय बलों की भी रणनीतिक तैनाती होगी और जरूरत पड़ने पर उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। उन्होंने हिंसा करने वालों के विरुद्ध कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए। विपक्ष के हमलों पर जवाब देते हुए शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार मणिपुर के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने राज्य के राहत शिविरों की स्थिति, विशेष रूप से भोजन, पानी, दवाओं और अन्य बुनियादी सुविधाओं की उचित उपलब्धता की जानकारी ली। साथ ही कहा कि राहत शिविरों में लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने मणिपुर के मुख्य सचिव को विस्थापितों के लिए उचित व्यवस्था व शिक्षा सुविधाएं सुनिश्चित करने और उनका पुनर्वास करने को भी कहा। गौरतलब है कि पिछले दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने मणिपुर में जारी नस्ली हिंसा पर चिंता जताई थी। उनका कहना था कि सरकार को इसका स्थायी समाधान तलाशने के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए। मणिपुर की आबादी में लगभग 53% मैतेई हैं जो इम्फाल घाटी में रहते हैं, जबकि नागा और कुकी समेत आदिवासी 40% हैं जो पर्वतीय जिलों में निवास करते हैं।